अभी हम आए हुए हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, और जैसा स्ट्रीट फूड हम आपको आज दिखाने वाले हैं ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, मजा आ जाएगा आपको देखकर। ये क्या बनाते हो आप? आलू भुनते। आलू भुनते हो किस चीज में? इसमें ये क्या है? बालू है, रेत। बालू, रेत, नदी वाला। और ये भट्टी लगा रखी है, तो इस भट्टी में आलू भुने जाते हैं। तो भैया लगाइए जरा आलू। तो ये आलू देखिए अब डाले गए हैं इस भट्टी के अंदर, और दोनों तरफ से आप देखिए आग की लपटें निकलती हुई आपको दिखेंगी। और ये देखो गाइस, ये ऐसा स्ट्रीट फूड आपने पूरी इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। रेत के अंदर देखो ये आलू भुने जा रहे हैं। भाई कितने रुपए प्राइस है इसका? क्या क्या प्राइस है इसका? 25 का 250 ग्राम। तो आपने हर तरह के स्ट्रीट फूड देखे होंगे इंडिया में, हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में डिफरेंट तरह के मिलते हैं, लेकिन जैसा आलू आपको यहाँ मिल रहा है ये स्ट्रीट फूड बना रहे हैं, बालू में भून रहे हैं आलू को, ऐसा यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई कितने साल से लगा रहे हो आप ये स्टॉल? 7 साल हो गए हैं। किस चीज के साथ खाते हैं इसे? चटनी और मसाला। चटनी मसाला और मक्खन। भाई दिखाओ एक बार चटनी मसाला और मक्खन भी। ये किस चीज की चटनी है भाई? ये हरे धनिया टमाटर और ये लहसुन अदरक। हरा धनिया टमाटर लहसुन अदरक की, और मसाला? मसाला भी रखा हुआ है। ये कौन सा मसाला है? ये मसाला है हमारा, ये मसाले डला है हमारे परपो बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। अच्छा मसाला है, जैसे ये अपने अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, मिर्च हो गई, धनिया हो गया, जावित्री हो गई, गर्म मसाले जैसे भी घर पे क्वांटिटी बनाते हैं उस तरीके से। ये देखिए गाइस, 20 मिनट हो चुकी है रेत पे पकते हुए आलू को, और अभी भी रेत देखो तो दिखने से ही पता चल रहा है कि आलू बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं, और टोटली ये रेत में भुने गए हैं। और रेत के नीचे आप आग को देख सकते हैं कि 20 मिनट से इतनी तेज आग चल रही है। अभी तो खैर हल्की हो गई आग, यहाँ से बाहर निकल रही थी थोड़ी देर पहले तो। और ये भाई देखो तब से इतनी मेहनत करने में लगे हुए, 20 मिनट से हाथ ऐसे चल रहे हैं भाई के, तो इतनी मेहनत है इस आलू को बनाने में। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो और कमेंट करो इस पर, आप बताओ कि आपने कहीं पे ऐसे आलू कभी खाए हैं। तो देखिए अभी तैयार हो गए हैं पूरी तरीके से, अभी इन्हें बाहर निकाला जाएगा। और ये देखिए आप बिल्कुल खोलते हुए रेत में, तो भैया ऐसे ही निकाल रहे हैं भाई, हाथों में लगने लगा क्या आपके रेत? ये आदत पड़ चुकी है। तो ये देखो इतना खोलता हुआ तेल है, हम इतना खोलता हुआ ये रेत है, मैं इतना दूर खड़ा हूँ इससे, अल्ट्रा वाइड पे इसको शूट कर रहा हूँ, और भाई के ऐसे ही इसी में रेत में हाथ डाल के आलू निकाल रहे हैं, जहां से साइड में खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहां से ऐसे ही निकाल रहे हैं। ये देखिए गाइस भट्टी की आंच के ऊपर से ही तो है। ये देखिए गाइस, ये हमारे आलू पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से भून के आ चुके हैं। और आप भैया क्या कर रहे हो इनका? ये और अभी ने देखिए साफ किया जा रहा है, साफ मतलब छिलका उतारा जा रहा है इनका। तो ये देखिए छिलका उतारा जा रहा है, ऊपर भाई से टोकरे के अंदर ऐसे कर रहे हैं, और नीचे से ये देखिए छिलका आते हुए। तो छिलका उतारने का भी कितना बढ़िया सिस्टम है, ये नहीं कि आपको अपने हाथ जलाने हैं, टोकरे में भाई ने आलू हिलाए और इतनी बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं कि नीचे अपने आप सारा छिलका आता जा रहा है। भाई मजा आ गया देख के ये चीज। अगर कोई भाई आना चाहे आप उसे एड्रेस और समझाओ एक बार, कहाँ आए वो? गोला बाजार, मैनपुरी गोला बाजार में। तो ये देखिए हमारे आलू अब पूरी तरीके से छिलका उतर चुका है इनका, अभी ना यहाँ रखा जाएगा भाई जो पके हुए हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए गाइस, ये आलू हो गए तैयार। तो भाई एक प्लेट लगा दीजिए आप जरा आलू, अब गर्मा गर्म जो आलू हैं अगले लोट से जो निकले हैं वो हमने ले लिए, बिल्कुल गर्मा गर्म खाएंगे इन्हें। 200 ग्राम ले लिए भाई, प्राइस क्या है 200 ग्राम का ये और बताओ? 20 रुपए। तो ये आ गए हमारा आलू, साथ में क्या दोगे? चटनी लेंगे। ये आ गई हमारी चटनी, ये बटर, और ये इनका स्पेशल मसाला, साथ में बटर भी है।